दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद जी फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त है। यूनिट फोर्थ का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर अप करा दिया है, पार्ट टू अब लेकर आ गया हूं। पार्ट टू, अब एक छोटी सी बात सबके मन में आ रही है कि सर इसका अंतिम प्रहार आएगा नहीं आएगा। देखो, पूरी कोशिश करूंगा, जान लगा रहा हूं, थोड़ा सा फीवर भी है, लेकिन जान लगा रहा हूं कि आपका ये अंतिम प्रहार का पूरी सीरीज आए, प्रिपरेशन हो रही है। लेकिन एट ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड कि मैंने ऑलरेडी सारे टॉपिक्स करवा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं, न्यूमेरिकल्स एक दो बच रहे हैं, वो भी मैं आज करवा देने की पूरी कोशिश रखूंगा ताकि कल का पूरा दिन आपके लिए केवल रिवीजन का रहे, ठीक है। तो एफएम के अंदर ज्यादा परेशान मत होना, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आपको एक क्वेश्चन बैंक दे दी है, उसके बाहर से पेपर नहीं बनने वाला, यानी कि 15-16 क्वेश्चन मैंने बताए उनके बाहर से नहीं आने वाला, उसके न्यूमेरिकल थ्योरी आपको देखनी है, कोई चिंता मत करिएगा। यूनिट फोर पार्ट टू शुरू करने वाला हूं। पार्ट वन में अपन ने क्या क्या देख लिया था, डिविडेंड रिलेवेंस देख लिया था, फैक्टर्स देख लिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये थ्योरी का, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ डिविडेंड भी मैंने आपको बता दिया है, इसके अलावा थ्योरी है ना। अब देखो डिविडेंड की क्या होता है, डिविडेंड होता क्या है, बेसिक यहां पे अगर आप थोड़ा सा भूल गए हो तो मैं याद दिला लेता हूं। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है। किन में बांट दिया जाता है, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, सर शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इसी को बोलते हैं डिविडेंड, और हिंदी में बोला जाता है लाभांश, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है। अब क्या हुआ, इसमें बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, इन फिलोसोफर्स ने क्या कहा कि सर आप ये जो शेयर होल्डर में पैसा बांट रहे हो बहुत अच्छी बात है, कि मिस्टर पिंटू ने अपनी एक कंपनी खोली और उन्होंने कहा कि मेरे 1,00,000 रुपए कमाए हैं और 1,00,000 का प्रॉफिट है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है वो 1,00,000 का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांट दें, और ऑप्शन बी ना बांटें, नेक्स्ट रिटेन कर लें। तो वही बहुत सारे सलाहकार लोग आ गए और कहने लग गए, मिस्टर पिंटू जी बताइए क्या किया जाए। तो मिस्टर पिंटू ने कहा बुलाओ, थ्योरी कौन कौन सी क्या कह रही है। तो इसमें पहली थ्योरी आई इररिलेवेंट थ्योरी, इररिलेवेंट और रिलेवेंट दो ही तरीके की थ्योरी है, ठीक है, ज्यादा परेशान होने वाली बात। इररिलेवेंट थ्योरी में सॉल्मन साहब और हमारे एमएम थ्योरी इसके अंदर आती है, सॉल्मन वाली अपने कोर्स में नहीं है इसलिए मैं अभी इसको कवर अप भी नहीं करवा रहा, ज्यादा क्यों पढ़ाना जब अपने कोर्स में नहीं हो, अपन को तो एग्जाम में नंबर लाने हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इररिलेवेंट थ्योरी क्या है, इन्होंने ये कहा कि आप भले कितना ही डिविडेंड बांट लो आपके डिविडेंड सेल शेयर करने से, मतलब आपके डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन से शेयर प्राइस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर प्राइस चेंज नहीं होगी, शेयर प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया, मतलब इररिलेवेंट थ्योरी कह रही है कि डिविडेंड का शेयर मार्केट से या आपकी कंपनी की गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, आप डिविडेंड बांटो ना बांटो कोई लेना देना नहीं है। क्यों भैया, ये कह रहे हैं कि आप डिविडेंड नहीं बांटोगे तो कुछ पैसा आपके हाथ में होगा, इस पैसे का इस्तेमाल आप फिर से मार्केट बढ़ाने में करोगे, यानी कि आप व्यापार बढ़ाने में करोगे, व्यापार बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑलरेडी शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो जब शेयर के प्राइस ही बढ़ाने हैं शेयर होल्डर के, तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट क्यों देना, उसको इनडायरेक्ट बेनिफिट दो ताकि वो शेयर के प्राइस बढ़े। ये इनकी थ्योरी थी जो ये कहते हैं, सॉल्मन साहब ने सीधा सीधा कहा था इसके अंदर की कोई दिक्कत नहीं है भैया, मत बांटो, है ना। इन्होंने ये कहा था एमएम साहब ने कि आप ये मत बांटो, आप ये करो कि ये जो आप पैसा बचाते हो इसको फिर से कैपिटल मार्केट में लगा दो, कोई चिंता की बात नहीं, मतलब आप डिविडेंड मत बांटो, आप इस पैसे को कैपिटल मार्केट में लगा दो, यही है एमएम थ्योरी, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं, ठीक है। इसको कौन सी थ्योरी बोलते हैं, इररिलेवेंट थ्योरी। ये क्या कहती है कि शेयर होल्डर और हमारे भैया डिविडेंड का शेयर होल्डर प्राइस, शेयर प्राइस है ना, शेयर होल्डर की शेयर प्राइस और डिविडेंड का कोई रिलेशन ही नहीं, मतलब आप डिविडेंड बांट के गलती कर रहे हो, आप डिविडेंड मत बांटो, ठीक है, डिविडेंड लो रखो। ये होती है इररिलेवेंट थ्योरी, जिसमें प्रॉम्प्ट में दो थ्योरी आती है, एक सॉल्मन साहब की है और एक एमएम साहब की है। अब ये एमएम थ्योरी कहते हैं इसको, मिलर है ना,
1958 के अंदर ये थ्योरी आई है भारत के आजाद होने के बाद। याद रखना रिलेशनशिप बिटवीन द लीवरेज एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सप्लेन्ड बाय द नेट ऑपरेटिंग इनकम। ये कह रहे थे, इनका ये अप्रोच था मोदी साहब का, एमएम थ्योरी, अब मोदी कह लेते हैं, है ना, एमएम साहब का ये अप्रोच था कि जो आपकी रिटेन अर्निंग होगी इसको आप कैपिटल मार्केट में लगाओगे, कैपिटल मार्केट में लगाओगे आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे। इसमें इन्होंने वैलिडेट बात कही, ठीक है। इसलिए इन्होंने आर्ग्यू करा कि आपकी कौन सी इनकम बढ़नी चाहिए, ऑपरेशनल इनकम बढ़नी चाहिए, ऑपरेशनल इनकम बढ़नी चाहिए, ठीक, ये इनकी बात थी, ठीक है, बात तो सही कह रहे हैं। अब देखो कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट दस, देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अभी कैपिटल मार्केट कौन सा है, यानी कि पूंजी मार्केट, यानी कि आप कहीं बांटो मत, आप उसको इन्वेस्ट कर दो, दैट इज द कैपिटल मार्केट, है ना। कैपिटल कैपिटल कौन सी होती है, पूंजी, जो व्यापार के समय शुरू करी जाती है, लेकिन नॉर्मली इसको कैपिटल मार्केट को अपन एसेट्स मार्केट या इन्वेस्टिंग मार्केट समझते हैं। एवरेज एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग अर्निंग ऑफ फर्म आर रिप्रेजेंटेड ऑफ सब्जेक्टिव रैंडम वेरिएबल्स। यानी फ्यूचर के अंदर क्या होगा कि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, फ्यूचर के अंदर क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो आप अगर बांटोगे तो क्या पता कि आप अगले, आपको जो लीवरेज है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उसके लिए पैसा कहां से ला पाओगे, आपको फिर से लोन लेना होगा। यानी इन्होंने कहा कि यदि आपको अपने रिटेन अर्निंग बांट दी तो आपको इंटरेस्ट पे लोन लेना होगा, तो वो गलत है। और इन्होंने क्या एवरेज एक्सपेक्टेड फ्यूचर, इन्होंने एजम्पशन क्या माना कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर की ऑपरेटिंग इनकम आर रिप्रेजेंटेड बाय द सब्जेक्ट रैंडम वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। अगला इन्होंने एजम्पशन माना है, फर्म कैन बी कैटेगराइज इनटू इक्विवेलेंट रिटर्न क्लासेस। यानी कि फर्म को अगले साल रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ये मान ही रहे कि अगले साल फर्म कमाएगी कमाएगी यदि वो डिविडेंड बचा लेती है तो। दे ऑल्सो अज्यूम दैट दैट बोथ फर्म्स आर इंडिविजुअल एंड रिस्कलेस। यानी कि अगर आप खुद ले लेते हो, बोथ फर्म एंड इंडिविजुअल जो होती है वो रिस्कलेस होती है, तो इन्होंने इररिलेवेंट मान लिया। एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस को इन्होंने इग्नोर कर दिया था, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे और डिविडेंड कम बांटोगे तो टैक्स ज्यादा लगेगा ना। तो जब टैक्स पे, आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, जो नॉन फाइनेंस के और जो फाइनेंस के वो समझ लो, 30% गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। कितना टैक्स ले लेती है, 30% गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है आपकी अर्निंग का, फ्लैट नेट प्रॉफिट का। और अगर आपने प्रॉफिट में से कुछ बांट दिया तो आपका टैक्स लो हो जाएगा ना, टैक्स कम हो जाएगा ना। तो बट इन्होंने क्या कहा था कि बांटो बांटो मत, कॉर्पोरेट टैक्स को इग्नोर करो, ठीक है। आगे बढ़ो, और क्या कह रहे थे मोदी साहब, हमारे एमएम थ्योरी क्या कह रही है, कहां गई कहां गई कहां गई, ये रही, ठीक है। अब यहां तक उसके अजम्पशन थे, आई होप आपको क्लियर हो गया है, कोई इसमें तो दिक्कत आई नहीं होगी, बेसिक एजम्पशन थे। न्यूमेरिकल करेंगे तब और एक बार चेक कर लेंगे कि एमएम थ्योरी के क्या न्यूमेरिकल हैं, बेसिक थ्योरी है, आपको ये बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं रिलेवेंट थ्योरी के ऊपर। रिलेवेंट थ्योरी ये कह रही है कि भाई साहब आपका जो डिविडेंड है, आपकी कंपनी का जो डिविडेंड है वो कंपनी की इमेज को डायरेक्टली मोटिवेट करता है, बढ़ाता है। यानी कि आज एक पता चल जाए कि कोई कंपनी, जो कंपनी है उसने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, क्या अनाउंस कर दिया, डिविडेंड अनाउंस कर दिया, तो उसकी सडन मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ जाती है, शेयर प्राइस बढ़ जाती है। जैसे ही उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी ऑलरेडी कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है अगर वो डिविडेंड अनाउंस कर देती है। यानी कि ये कहते हैं कि डिविडेंड जो है वो कंपनी की ग्रोथ का एक तरीके का इंडिकेटर है, यदि आप डिविडेंड देंगे तो आपकी कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी। ये रिलेवेंट थ्योरी वाले कह रहे थे, दो पक्ष है, एक नरम दल एक गरम दल। तो रिलेवेंट थ्योरी वाले में कौन कौन आए, रिलेवेंट थ्योरी में आए भाई साहब वॉल्टर साहब का मॉडल आया। इन्होंने क्या कहा, चॉइस ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी अमंग अस द ऑलवेज अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एंटरप्राइज। यानी कि आप कैसे डिविडेंड पॉलिसी ले रहे हैं, अभी अपन ने देखा था ना कौन कौन सी डिविडेंड पॉलिसी, अरे जीरो वाली देखी थी, स्टॉक वाली देखी थी, फर्नीचर वाली देखी थी, देखो भूल गए क्या, देखो देखो ये रही, स्टॉक कैश प्रॉपर्टी स्क्रिप लिक्विडेटिंग और जीरो, ठीक है, ये फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड हो गए। तो ठीक है, इसके अलावा ये रहे इररेगुलर डिविडेंड, स्टेबल, रेगुलर और नो डिविडेंड, ये चार तरीके की अपन ने पॉलिसी देखी थी ना, है ना, कि डिविडेंड कितना देना चाहिए, कम देना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए, यही सारी बातें इन्होंने कही। इन्होंने क्या कहा वॉल्टर साहब ने कि आपका डिविडेंड और शेयर प्राइस के अंदर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे अगर आपकी शेयर प्राइस बढ़ेगी, जैसे आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की न्यूज भी आती है तो आपका शेयर प्राइस हाइक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इन्होंने भी कुछ फॉलोइंग अजम्पशन लिखे, इन्होंने के अजम्पशन क्या थे,
Firms are finance all investment through their retained earning, that is debt or new equity is not issued. यानी इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि आप डिविडेंड नहीं बांटोगे तो आपको क्या करना होगा, आप डिविडेंड नहीं बांटोगे तो आपको क्या करना होगा, पैसे चाहिए होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, नई चीज शुरू करने के लिए। ध्यान देना, है ना, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ थोड़ा। वाल्टर साहब ने कहा था कि अगर आप डिविडेंड नहीं बांटोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा आपको फिर से शेयर इशू करने होंगे, जब आप फिर से शेयर इशू करोगे तो आपकी अर्निंग पर शेयर गिर जाएगी। कैसे गिरी सर, पहले 100 शेयर में मैं 10 रुपए कमाता था, ठीक है, अब 1000 शेयर में मैं कितने कमा रहा हूं, 12 रुपए कमा रहा हूं, तो मेरे अर्निंग पर शेयर तो कट गई ना, क्योंकि मैंने ज्यादा शेयर इशू कर दिए। तो यही बात इन्होंने भी कही, इन्होंने ये कहा कि आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हो और एजम्पशन ले रहे हो कि आपको वापस से चाहिए, तो इसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा। अगर आपको पैसा चाहिए होगा, आप डिविडेंड में बांट नहीं रहे हो, आप डिविडेंड में आप नहीं बांटोगे तो क्या होगा, आपको फिर पैसा चाहिए होगा, और पैसा चाहिए होगा तब फिर से शेयर इशू करने होंगे, तो आप ऐसा करो कि बांट दो डिविडेंड में पैसा, ठीक है। ये काफी पक्षधर रहे इसमें। अब क्या कह रहे हैं, ये फर्म्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कॉन्स्टेंट। क्या कह रहे हैं, IRR जो है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कॉन्स्टेंट है, वो चेंज नहीं हुई। ये assumption अपन को याद करने, अगर इसकी थ्योरी आ जाती है तो, ऑल अर्निंग आर आइदर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और री इन्वेस्टेड इंटरनली इमीडिएटली। ये कह रहे हैं कि तुरंत पैसा आए तुरंत बांट दो, घर में रखना ही नहीं, या तो री इन्वेस्ट कर दो या उसको डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बिगिनिंग अर्निंग एंड डिविडेंड्स नेवर चेंज, ठीक है, मतलब कि जितना आपने शुरुआत में कमाया था उतना तो आप हमेशा कमाओगे ही, और डिविडेंड आपको रखना है, ठीक है। और फर्म की एक लाइफ जो है वो लॉन्ग टर्म है, यानी इनफाइनाइट लाइफ है, यानी फर्म जो है वो हमेशा चलने वाली है, इसलिए आप डिविडेंड बांटते रहिए ताकि इन्वेस्टर्स खुश रहें, इन्वेस्टर खुश रहेंगे, आपकी फर्म की वैल्यूएशन बढ़ेगी, ठीक है। तो मेन इन्होंने वाल्टर साहब ने ये कहा था। तो अगर आप नहीं बांटोगे, अगर आप नहीं बांटोगे अपना डिविडेंड नहीं बांटोगे तो फिर क्या होगा कि आपको और इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट मतलब अगर नहीं बांटोगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं बांटोगे तो आपकी जो अर्निंग है उस पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। क्यों नेगेटिव इफेक्ट आएगा, इनका कहना था कि अगर आप बांट दोगे तो आपकी कंपनी की गुडविल बढ़ रही है, इससे आपके शेयर की प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और वहां वो MM साहब क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर बांट दोगे तो गलत है, और ये कह रहे हैं बांटोगे तो ही सही है, ठीक है। सबका अपना मत, कौन ज्यादा सही कौन ज्यादा गलत, आपको क्या लगता है इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड बांटना चाहिए नहीं बांटना चाहिए, ठीक है। एक फॉर्मूला भी दिया है, देखो इनका एक मूल मंत्र जो मैंने लिखा है जिससे मैंने ये पूरी थ्योरी याद कर रखी है वो है ये वाला। ये कह रहा है डिविडेंड इंक्रीज शेयर प्राइस, यानी डिविडेंड बढ़ेगा तो हमारी शेयर प्राइस बढ़ेगी। ये पूरा फॉर्मूला है, याद कर लेना, नहीं करोगे तो अभी न्यूमेरिकल के अंदर अपन देख लेंगे। डिविडेंड प्राइस इंक्रीज शेयर प्राइस, यानी डिविडेंड जितना बढ़ रहा है। आज न्यूज आती है मार्केट में कि एक कंपनी 50 रुपए डिविडेंड देना कोशिश शुरू करने वाली है, उसकी एक्स डिविडेंड डेट आने वाली है, तो उसके शेयर प्राइस तब तक बढ़ना रेगुलर बढ़ना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अभी की सोचते हैं, वो नेक्स्ट मॉडल के अंदर अपन देखेंगे। अब ये है गॉर्डन साहब, अब ये गॉर्डन साहब के भी अजम्पशन जो थे ना, वो गॉर्डन साहब के अजम्पशन जो थे वो रिलेवेंट थ्योरी में थे। किसमें थे, रिलेवेंट थ्योरी में थे। ये भी पक्षधर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये सबसे पॉपुलर थ्योरी वैसे गॉर्डन साहब की रही है, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर मॉडल रिलेटिंग विद द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म डिवाइडेड पॉलिसी डिप्लॉयड एंड द डेवलप्ड, ठीक है। एजम्पशन क्या थे इनके, फर्म्स की इक्विटी नो इंटरनल फाइनेंसिंग इज अवेलेबल, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज अवेलेबल, ठीक है। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज कॉन्स्टेंट, ये इसके assumptions थे। द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट ऑफ द फर्म रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कॉन्स्टेंट है, फर्म की डिस्काउंट रेट भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अर्निंग कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब ऐसे तो ऐसे कभी होगा नहीं कि टैक्स एग्जिस्ट ना करें, लेकिन इनका ये मानना था कि टैक्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसके अलावा एक रेशो दिया, ठीक है, कंडीशन इज जी इज नॉट वी कैन नॉट गेट अ मीनिंगफुल वैल्यू ऑफ द शेयर, ये ठीक है, ये वाली अभी अपन मैं समझा देता हूँ। तो गॉर्डन मॉडल साहब ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर हैं
वो ये नहीं सोच रहे कि आप 5 साल बाद आपकी कंपनी बढ़ेगी और फिर हमारा शेयर का प्राइस बढ़ेगा, ये वो नहीं सोचते। ये सोचते हैं इसके इन्वेस्टर कि आज आप कंपनी में हमको कितना प्रॉफिट दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक कंपनी, दो कंपनी के एग्जांपल देता हूं, ठीक है, इससे आपको रिलेवेंट थ्योरी और रिलेवेंट थ्योरी पूरी क्लियर हो जाएगी, मतलब आपको एकदम सही लगेगा और आप डिसीजन ले पाओगे कि डिविडेंड देना सही है या गलत है, मतलब आप एक साइड चले जाओगे। एक कंपनी है रिलायंस, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के नाम से है, मतलब बहुत सारा इनका कारोबार है, पेट्रोलियम बहुत सारी जगह डील करते हैं, ठीक है, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री। और एक है अपनी बीपीसीएल, ठीक है, एक एचपी ले लो इसी के अंदर, एक कोल इंडिया ले लो, ये दो कंपनी है। आप देखिएगा जो रिलायंस भैया है हमारे, इनका डिविडेंड का रेशियो रहता है 2%, 1% से 2%, यानी रिलायंस कंपनी इतनी बड़ी कंपनी करोड़ों का प्रॉफिट कमाती है, 25% से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, लेकिन 1-2% ही डिविडेंड डिक्लेयर करती है और वो भी कम, है ना। जबकि ये बीपीसीएल, एचपी, कोल इंडिया, इनका एवरेज अगर आप देखोगे तो 7-12% तक आपको इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो मिल जाएगा, मतलब कि डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा, मतलब कि 1,00,000 रुपए अगर आपने रिलायंस में लगाए, मान लेते हैं 1,00,000 रुपए आपने रिलायंस में लगाए, तो आपको सालाना 1,000 रुपया मिलेगा, और यही 1,00,000 रुपया आपने बीपीसीएल में लगाए तो सालाना आपको एवरेज 10,000 रुपया मिलेगा। तो आप किस कंपनी में लगाना पसंद करेंगे सर, डिविडेंड का पैसा और वो फिक्स्ड इनकम है, वो आना ही आना है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर हमको बीपीसीएल, एचपी और कोल के शेयर खरीद के पटक देने चाहिए और रिलायंस के नहीं, लेकिन रिलायंस का जो कैपिटल गेन है वो 15-18% होता है, यानी कि आपने जो अभी मार्केट प्राइस 2300 का कुछ शेयर चल रहा होगा तो 2300 रुपए का 10% बढ़ गया तो 240-250 रुपए अप्रोक्स इसका शेयर एक साल के अंदर बढ़ी जाएगा, 10% से थोड़ा सा ऊपर बढ़ी जाएगा, जबकि यहाँ पे उतना शेयर बढ़ता भी नहीं है, ठीक है, यानी 15-18% ये प्रॉफिट दे रहा है और ये एक डिविडेंड दे रहा है, लेकिन ये 15-18% इररिलेवेंट है, मतलब सॉरी फ्लक्चुएटिंग है, कभी ये 15 देगा, कभी 8 देगा, कभी 7 देगा, कभी 6 देगा, लेकिन यहां पर जो डिविडेंड है वो कांस्टेंट डिविडेंड दे रहा है। तो डिपेंड करता है, जो सेफर साइड खेलते हैं, जो हमेशा सोचते हैं कि मेरे को भैया रिस्क विस्क नहीं चाहिए, अपन को तो डिविडेंड का पैसा चाहिए, वो ये वाले शेयर उठा लेते हैं। जिनको ऐसा लगता है नहीं मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए मनी अर्न करनी है, क्योंकि रिलायंस का जो 5-6 साल के अंदर आपका पैसा डबल कर देती है कंपनी, मतलब कोई अगर लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी होती है वो 5-6 साल के अंदर पैसा डबल कर देती है, तो ये इस काइंड ऑफ कंपनी। आई होप क्लियर हुआ। तो जो रिलेवेंट थ्योरी के पक्षधर हैं, जो रिलेवेंट थ्योरी के पक्षधर हैं वो इस कंपनी में बैठे हुए हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि भैया डिविडेंड का पैसा बढ़ाओ तो आपके प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका शेयर की गुडविल बढ़ेगी और आपके शेयर का प्राइस बढ़ता चलेगा। जो इररिलेवेंट के पक्षधर है वो रिलायंस में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि भैया ये कुछ नहीं, आप तो रीइन्वेस्ट करो, आप तो पैसा जो है वो आगे फ्यूचर में लगाओ, आपको शेयर होल्डर को बांटने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो अपने कैपिटल गेन से कमाई लेगा, ठीक है, आप तो कैपिटल मार्केट में पैसा लगाओ। आई होप ये दोनों थ्योरी कंप्लीट हुई है आपके, ठीक है, और बाकी तो इसका हाँ ये पूरी की पूरी थ्योरी है, इसको थोड़ा सा एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इसके अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल में थोड़ा ज्यादा डीप में जाएंगे अपन। जय हिंद, और जल्दी 5th यूनिट लेकर आ रहा हूँ, और मस्त रहिए, खुश रहिए, और एक बार स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको इसमें और कोई डाउट आ रहा है इन तीनों ही थ्योरी के अंदर तो बता दीजिएगा। और सोलमन वाला अपने कोर्स में नहीं है, यदि है तो प्लीज मुझे भी बताइए कौन से कोर्स के कहाँ के किस नोटिफिकेशन में आया हुआ है। जय हिंद।